हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज ट्यूसडे एंड बस मैं उठ के नहा धो के रेडी हो गई। ब्रेकफास्ट हो गया है हनी बनी का। अभी वो नहा रहे हैं, आज थोड़ा सा वो जल्दी उठे तभी नहा रहे। एंड जीत का भी फ़ोन आया था कि उनके कलीग ऑफिस में, कलीग जो है उनकी एक बेटी है जो अभी हमारे घर पे आएगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स थोड़े से बिजी है, आज कुछ उनको काम है तो वो थोड़ी देर के लिए उनकी बेटी को हमारे घर पे छोड़ रहे हैं। तो उनकी बेटी से मैं मिली हूँ, आई थिंक वो 7-8 साल की होगी, 7-8 साल की होगी। तो उनसे मिली हूँ मैं, एक या दो बार मिली हूँ, बट ऐसे मुझे पता नहीं कि उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। लंच आवर से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसके लिए बनाओ, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल कर दिया है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा पास्ता पसंद है। टमाटर एंड एक गार्लिक मैंने लंच करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा बॉईल कर लियो, देन उसको ग्राइंड करके उसी सॉस में पास्ता बना लूँगी। साथ में थोड़ा सा दाल भिगो दिया है, चना दाल, दाल बना लूँगी, राइस भी बिठाऊँगी। एंड आटा ऑलरेडी गूंदा हुआ है मेरे पास, तो पराठा, मतलब सब कुछ मैं रेडी करके रख रही हूँ। जो वो बोलेगी मैं उसी हिसाब से उसको बना दूंगी, पास्ता राइस रोटी जो भी बोलेगी उसी हिसाब से बना दूंगी। हनी बनी तो अपना पोखी भातों खाएंगे एज यूजुअल। तो बस यही है। एंड मुझे थोड़ा सा डॉक्टर पक के पास जाना था, बट अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरे बॉडी में, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आपके बॉडी में शायद हार्मोनल इंबैलेंस कुछ है, मुझे भी ऐसा कुछ फील हो रहा है। क्योंकि मेरा जो जैसा रूटीन था, मैं दिन में दो बार ही खाना खाती हूँ, मेरा लंच या ब्रंच जो भी मान लीजिए, दिन में डिनर करती हूँ दो बार ही, मेरा बहुत सालों से यही है ना। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मतलब एक टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप का, तो वो मेरा वेट जो है वो मेरा कांस्टेंट रहा है, मेरा ऐसा कुछ फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कुछ नहीं होता था। एंड मतलब मैं डिलीवरी के बाद मैंने वेट लॉस किया था काफ़ी ज़्यादा, बट कुछ दिनों के बाद मेरा जो प्री डिलीवरी प्री प्रेगनेंसी जो वेट था वही मैंने गेन कर लिया था, तो उतना ही मेरा कंटिन्यू होता आ रहा था अभी तक। बट लास्ट 3 महीने में जबकि मैंने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम करती थी एंड खाना मेरा सेम ही रहता था दो ही बार, बट पता नहीं मैंने वेट गेन किया है। एंड मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वेट लूज़ करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, या आई डोंट नो कि होता है किसी किसी को ज़्यादा वो प्रेशर की वजह से भी वेट गेन होता है या कुछ नहीं, पता नहीं। बट एक बार मेरा फुल बॉडी चेकअप में करवाने जाऊँगी, तो जीत को बोला है मैंने कहीं पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए फुल बॉडी चेकअप के लिए, तो फटाफट जाके बस ब्लड देख के आ जाऊँगी, या देखती हूँ या कुछ दिनों वेट कर लूँ, क्योंकि अभी जो कोरोना का जो चल रहा है पता नहीं क्या है, बट सोच रही हूँ कि जो भी हो जल्दी हो जाए, पता चल जाए कि क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड बस यही है। तो बस अभी खाना वाना बनाती हूँ, हनी बनी नहा रहे हैं, चलो आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली ये जो गोल्ड के साथ में ये पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट जो साउंड होता है ना, दो कंगन ऐसे, दो चूड़ियां ऐसे आपस में टकरा के, वो साउंड ना मुझे पता नहीं, मैंने इतने दिनों से पहना नहीं है तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। जब भी मैं उड़ीसा जाती हूँ, पायल वगैरह कुछ पहनती हूँ, तो पायल से वो जो झुमका होता है ना, जो साउंड करता है, वो मैं निकाल देती हूँ। मुझे पता नहीं इरिटेशन लगता है कि हाँ चल के जा रहे हो, वो झुमझुम झुमझुम साउंड हो रहा है,
पता नहीं आदत नहीं है या कुछ नहीं पता नहीं, बट ये पहनने पे अच्छा दिख रहा है। तो जब भी मैं काम करती हूँ कुछ, जैसे मैं निकाल लेती हूँ एक, देन जब भी ऐसे बैठी हूँ तब मैं पहन लेती हूँ, तो यहीं पे उसको मैं रख रही हूँ। कभी सोना निकालती हूँ, कभी ये निकालती हूँ, इसीलिए मैं जब भी कंगन वगैरह लेती हूँ थोड़े बड़े साइज़ का लेती हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मेरी आदत है बार बार उसको निकालना पहनना निकालना पहनना, मैं ऐसे डाल के पूरा ऐसे रह जाऊँ ऐसा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा ढीला ढीला लेती हूँ कुछ। एंड हाँ, बहुत लोगों का, कुछ लोग ने पूछा था कि वो चेन का क्या हुआ, आपने बताया नहीं, अपडेट नहीं दिया। तो हम लोग उसी दिन गए थे उस वाले मलाबार में चेन का बात करने के लिए, तो उन्होंने बहुत और सारे डिज़ाइंस दिखाए, सब मैंने ऐसे बाल में ऐसे उलझे ऐसे ऐसे करके टेस्ट किया, तो सारे मतलब अटक रहे थे बाल, क्योंकि देखो मम्मी मेरी मदर इन लॉ वो सबके बाल हमेशा बांध के रखते हैं, तो शायद उनको ऐसा कुछ, मेरा हमेशा बाल में खुला रखती हूँ एंड तो अटकते हैं, तो उन्होंने बोला शायद हेवी वाला कुछ लोग है तो उसमें नहीं अटकेगा, और हेवी वाला मैं पहनूंगी नहीं। एंड जल्दी जल्दी में थे हम लोग उस दिन, जीत जस्ट ऑफिस से आए थे, हम डायरेक्ट चले गए थे, भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, वो चेन दे दिया, उसका जो अमाउंट बना उसका हमने क्रेडिट नोट ले लिया। हाँ, उसका हमने क्रेडिट नोट ले लिया, जितने अमाउंट का हमने वो ख़रीदा था पूरा वैट वैट मिला के, उसका उन्होंने हमें क्रेडिट नोट दिया, और वो क्रेडिट नोट जो है वो 3 महीने तक वैलिड रहता है। तो हमने सोचा कि मैंने सोचा कि नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल 26 में अक्षय तृतीया है, तो हमारे कल्चर में ऐसा रिवाज है जो दिवाली के टाइम धनतेरस एंड ये अक्षय तृतीया, ये दो दिन में कुछ ना कुछ हम लोग मेटल खरीदते हैं, चाहे सोना हो चांदी हो या कुछ भी, किचन का बर्तन हो, कुछ भी मेटल घर में लाते हैं। तो लास्ट 2 ईयर से हम लोग ने कुछ भी गोल्ड नहीं खरीदा था, तो हम छोटा छोटा सिल्वर का कॉइन लेके आते थे। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट मंथ है, कुछ ना कुछ मेटल तो खरीदना है, तो वो क्रेडिट नोट 3 महीने तक वैलिड है, तो उसको रख लेते हैं, उस टाइम पे अक्षय तृतीया में हम लोग जाके उस दिन कुछ ना कुछ मतलब उसी पैसे से चेन हो या जो भी मुझे इयररिंग हो कुछ भी हो, मैं उसी पैसे से ले आऊँगी, ताकि मतलब वो रिवाज भी जो है वो भी पूरा हो जाएगा, प्लस हमारा वो क्रेडिट नोट भी यूज़ हो जाएगा। तो यही मैंने सोचा है, तो नेक्स्ट मंथ ही सोच रही हूँ कि, अभी बहुत लोगों ने सजेशन दिया है कि नीम का ये सब डाल के उसको बड़ा करते, तो उसी टाइम पर मैं बड़ा कर देती हूँ, देन उस टाइम पर मैं देख के कुछ इयरिंग हो, या वरना मैं सोच रही हूँ कि एक सेट मैंने देखा था, पतला सा चेन उसके साथ में छोटा सा पेंडेंट, उसका मैचिंग इयरिंग, वो भी उतने पैसे में आ जाएगा, तो वो मैं ले लेती हूँ, ताकि मैं वो ओकेजनली पहनूँ, डेली पहनूंगी तो फिर वो बाल अटकेंगे, तो ओकेजनली पहनूँ, बट वो इयरिंग मैं हमेशा यूज़ कर सकूँ। तो यही दिमाग में सोचा है, देखते हैं क्या होता है। पहले हनी बनी को नहाती हूँ, उनका गादी फिनिश हो गया, देखो गादी फिनिश, तो मैं उनको ले आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं सिंपल सा जो क्विक बनने वाला चना दाल जो है वो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके साथ में मैंने मसालों में मैंने जिंजर गार्लिक अनियन, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा क्यूमिन सीड एंड थोड़ा सा रेड चिली, जो उसका एक सूखी मिर्च एंड एक टमाटर, एक साथ सारा मैंने पेस्ट बना लिया था, तो उसको मैंने अच्छे से, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था, एक छोटा सा सिनेमन एंड ब्लैक पेपर, उसको अच्छे से मैंने मसाले को बहुत अच्छे से भुना है, देन उसमें थोड़ा सा मैंने छोले पाउडर ऐड किया है, एंड वो अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पे जो चना मैंने भिगो के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है, चना को मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी, देन इसमें पानी दे के नमक डाल के सीटी लगा दूँगी। थोड़ा सा चटपटा मसालेदार बना रही हूँ, क्योंकि चावल के साथ में और मैं कुछ सब्जी नहीं बना रही हूँ, यही दाल बना रही हूँ, उसके साथ मैं रायता बनाऊँगी बस, इसलिए थोड़ा सा चटपटा मसालेदार बना रही हूँ, तीखा नहीं है बट थोड़ा सा मसालेदार है। एक्चुअली मैंने वीडियो क्लिप लिया था, वो पता नहीं कहीं गायब हो गया, तो मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ बस, अभी इसमें पानी ऐड करके मैं सीटी लगा दूँगी। कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए,
बस इसमें जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा देन मैं इसमें सीटी लगा दूंगी, करीब 3 से 4 सीटी लगा दूंगी। Two cows fighting. Walking on grass. Mama pakai asila. No. This one, you remove this one. Yeah. Now take. मुझे दोपहर में झाल मुड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं पहले, मेरा मोस्टली लंच झाल मुड़ी होता था, तो जो भेलपुरी भी बोलते हैं, बट ओडिशा में जो झाल मुड़ी होता है वो चटपटा होता है। भेलपुरी थोड़ा सा उसमें मीठा चटनी भी वो लोग डालते हैं, बट हम लोग यहाँ पे चटनी वगैरह कुछ नहीं डालते, बस मुरमुरे लेते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं, पफ्ड राइस। तो ये पीनट मुझे पसंद नहीं, बट ये मिक्सचर में ऑलरेडी पीनट था तो वो डाल दिया मैंने। देन इसको मैं छांट छांट के खाऊंगी। फिर कुकुम्बर, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा मैं रोस्टेड नींबू का रस दे दिया है, सॉल्ट डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी, थोड़ा सा मिर्च डालूंगी, धनिया पत्ता, तो रोस्टेड क्यूमिन एंड लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो ऐड करूंगी, एंड ब्लैक सॉल्ट। बस बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा हम लोग बनाते हैं, एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इवनिंग में कभी भी झाल मुड़ी दे दो, आई एम हैप्पी। तो बस मेरा आज का लंच यही है। What is that? Egg. And where is elephant? Oh, computer lab. Where is it? Grass. Small grass. Kaide. Fish. Buddy, we eat fish. How bunny says bunny? The butterfly. Look how bunny says bunny. Ambulance. Ambulance, yeah.
Yes. Our ambulance comes. Ambulance doctor. Big bus. Dugu, Dugu. How bunny says? Bunny says hat. No. Hop, hop. How hop, hop? How honey can you say? Can you see? Show. Nest. Yeah. Then sing along this. I'm telling new one for you. No, no fighting, no fighting, baby. No, let's pack together. Oh, chiri chibu. New page. Mama will open. See, noodles. See, noodles. See here, noodles. Here. Oh, my God. Hey, milk. Look, bike. Yeah. Milk. Wings. Bunny, look at Mama, Bunny not saying. Bunny Ragi Gola. Bunny, you ask me that one. Who inside? What is that? It's a rabbit inside. It's lock. What's this? What's this? It's a ladder. Ladder, yeah. What's this? What's this? It's a ant. No, this one. It's a ladybird. Yeah, L for ladybird. Fly. Fly. This is ladybird. This is jet. Dugu, what is this? Oh, octopus. Octopus, yes. Good Mama, job. What's that? Where is noodles? Noodles crying. Okay. We eat them. Eat. You want to eat noodles? No. Wow. It's four. It's a dangle. Pizza. Pizza. Okay, eat pizza. Look, get pizza. Pizza. Around here, not here. Yeah. Pizza. Pizza. Marie. How penguin walks? How? Penguin walks snow. Snow? Yes. My baby is so intelligent. Rabbit. Hop little bunnies. Hop little bunnies. And where's the caca? Where's that one? That one is mouse. Mouse. Rats. Squeak. In the mouth in toilet. Mama, squeak. Okay? Mama, see? Pizza is also there. Yeah. What is that? It's rhinoceros. Mama, what is this? What is that? This one, doggy. Woof. Puppy. This one, puppy. What is that, buddy? This lolly bum. Money, what is that? This TV. No. Money, laptop. What is that? That one is lock. Money, what is that? Lock. Lock is not here. Where is moon? Moon. Moon, where? Moon. Can you search moon? Moon, where is moon? So guys, थोड़ा सा tiring day के बाद अभी evening का time हो गया. हनी बनी को snacks खिला दिया. अभी मैं नीचे जाऊंगी. सब्जी नहीं है घर में कुछ भी. जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग अभी नॉनवेज नहीं खाएंगे. तो सब्जी लेने जाना है. जीत दो दिन से बहुत ज़्यादा बिजी है. लेट आएंगे. आज भी लेट आएंगे. अभी उनको कॉल किया था तो मैं ही जाती हूँ हनी बनी को लेकर नीचे वाले शॉप से ही. नीचे एक सुपर मार्केट है वहीं से थोड़ी बहुत कुछ सब्जी लेके. सब्जी दूध भी नहीं है अभी. ये जो बैठा है ये लास्ट दूध है तो वो लेके फिर मैं आऊँगी.
तो ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो लोग न्यू यूट्यूबर्स हैं एंड जो लोग ऐसे कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बहुत दिनों से जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, दो तीन ब्लॉग या एक दो महीने ही उन्होंने वीडियो डाला होगा और बार बार वही मैसेज भेज रहे कि हमारे चैनल को प्रमोट करो, हमारे चैनल को प्रमोट करो। पहली बात तो ये कि चैनल प्रमोट करना यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, आप किसी के चैनल को प्रमोट नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात ये कि आप लोग क्या करते हो ना कि वीडियो देखते नहीं हो, क्योंकि वीडियो मैं 20-25 मिनट्स का डालती हूँ। आप लोग वीडियो डाले हुए एक दो मिनट हुआ नहीं होता है, आप लोग आते हो खाली लिख देते हो नाइस ब्लॉग, देन अपने चैनल का लिंक डाल देते हो, अपने वीडियोस का लिंक डाल देते हो। तो ऐसा मत किया करो यार, ये मतलब ये अच्छा नहीं है। आप लोग मेहनत करो ना, कुछ दिन ट्राई तो करो। यूट्यूब ने आपको एक साल का 12 महीने का चांस दिया हुआ है, उसमें चांस ट्राई करो ना। ऐसे मतलब ऐसे किसी के बिना हेल्प, बिना मेहनत के कुछ भी किसी को आज तक ना हासिल हुआ है ना होगा, तो आप लोग ऐसा मत करो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं डिलीट कर देती हूँ आप लोगों के कमेंट। सच बोल लूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के कमेंट्स को ऐसे डिलीट करना। कुछ कुछ यूट्यूबर जो लिंक डालते हैं, मैं उनका वीडियो खोल के भी देखती हूँ, तो एक दो वीडियो मैंने देखा था जो जिसमें बस वो दो तीन मिनट का वीडियो बना रहे हैं, छत पे जाके कौवे से बात कर रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये तो ऐसे, और वो भी चार पांच वीडियो डाल के बोल रहे हैं कि प्रमोट करो प्रमोट करो। ऐसा नहीं होता यार, प्रमोट करना अलाउ नहीं है। एंड ये सब अब बहुत लोगों का ये भी आता है, ये आपने जो म्यूज़िक डाला है ये इसका लिंक दीजिए। तो यूट्यूब में आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आप लोग बहुत अर्न करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत मेहनत करोगे तो उसके बाद भी थोड़ा सा ही पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। एंड दूसरी बात ये है कि एक हम लोग जैसे म्यूज़िक डालते हैं वीडियोज़ में, वो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से हम लोग ढूंढते हैं। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में लैक्स लैक्स सॉन्ग्स है, और कोई सॉन्ग का जो नाम होता है वो किसी से मिलता जुलता है, अजीब नाम उसमें सब होता है। तो आपको एक एक गाना सुनना पड़ता है, उसके बाद आपको जो भी गाना पसंद आएगा आप उसको डाउनलोड करोगे, देन अपने वीडियो में यूज़ करोगे। तो मैं वीक में भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, 15 दिन में एक दिन कंटिन्यूसली रात में जाग के 2-3 घंटा बैठती हूँ, एक एक गाना सुनती हूँ। 50-100 गाना सुनने के बाद ही मैं 2-3 गाना डाउनलोड करती हूँ। आपको मैंने बहुत लोगों ने पूछा, मैंने कुछ लोगों को लिंक भी दिया कि नाम भी बता दिया, बट आप लोग, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, मैंने फुल्ली डिटेल में आप लोगों ने ही बोला कि ऐसा डिटेल्ड एडिटिंग वीडियो किसी ने नहीं डाला था, तो मैंने वहाँ पे डाला, एडिटिंग सिखा दिया आपको, फिर आपको गाने का लिंक भी दूँ, देन आपके चैनल को प्रमोट भी करूँ। आप बिल्कुल भी मेहनत ही करना नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे मैं रात रात भर जाके अपने बॉडी के साथ, हेल्थ के साथ खेल के अपने बच्चों को वो करके इतना मेहनत करती हूँ, आपके लिए तो नहीं करती हूँ ना। तो मतलब आई नो आई एम बींग रूड, बट मुझे ऐसा करना पड़ा कि लास्ट 1-2 महीने से इतना ज़्यादा उस टाइप। एंड मुझे ये बात वीडियो के स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, एंड में नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो लोग ये काम करते हैं वो वीडियो एंड तक तो नहीं देखते, वो बस वीडियो खोलते हैं ताकि वो अपने चैनल कमेंट कर सके, अपने चैनल का लिंक डाल सके। तो एनीवे जो भी हो, मुझे तो 90% भरोसा है कि मतलब पता है कि वो लोग वीडियो फुल नहीं देखते, अगर उसके बाद भी वो लोग ऐसा कमेंट करेंगे तो 100% श्योर होंगी कि ये वीडियो देखने के लिए नहीं आते, इधर बस अपने चैनल का लिंक डालने के लिए आते हैं। तो ऐसा मत करो, पहले मेहनत करो, एक साल का अपना जो टारगेट है वो पूरा करो। एक साल बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, देन वी विल सी, वी विल टॉक कैसे क्या करना होता है, क्या कमी है क्या नहीं है, वो सब देखेंगे या करेंगे। अभी से इतना ज़्यादा उतावले होकर 2-3 वीडियो डाले नहीं कि हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, हम लोग पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके दिमाग में बहुत गलत फहमी है कि यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार पीछे देख रही हूँ क्योंकि मेरा हमेशा दूध जो है ना वो उबल के गिर जाता है। तो बस यही कहना था, एंड होप आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर लॉट्स ऑफ लव. बाय गाइस. बचा लिया. बाय गाइस.